बार बार YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करने से भी आपका चैनल डेड होता है। स्टूडियो एप्लीकेशन इसको क्या है कि हम दिन में 20-25 बार 100 बार कुछ लोग तो 150 बार भी ओपन करते हैं और बार बार इसको ओपन करने से आपका चैनल डाउन हो जाता है, आपका चैनल डेड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी जो सुना कि मनोज दे और टेक्निकल योगी जो भी बता रहे हैं वो गलत है दोस्तों, और आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके बताऊंगा कि दोनों बंदे हैं वो के गलत है, आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखो, 110% में इसको जो कि आप गलत साबित करके दिखाऊंगा और आप लोगों को एक यूट्यूबर है वो जो कि बनाकर दिखाऊंगा। तो प्लीज यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताता हूँ YT स्टूडियो की, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो जो कि नहीं बताते। तो ध्यान से यहाँ से वीडियो आप लोगों को देखना है, एक एक स्टेप आप लोगों के लिए, हर एक स्टेप है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों के सामने क्या आता है कि आपने YT स्टूडियो इसी तरीके से ओपन करना है और उसके बाद आप लोगों को एनालिसिस है उसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप लोग एनालिसिस वाले ऑप्शन पर जाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद आप लोगों को नीचे की साइड ले जाना है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर रियल टाइम व्यूज दिखेगा, जो अपनों का रियल टाइम व्यूज कितना आ रहा है, यानी कि 48 आवर्स में कितना आ रहा है और एक घंटे में कितना आ रहा है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि नीचे की साइड आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि मैं कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से कॉन्टेंट वाले ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोगों को नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। और सबसे पहला हमारा स्टेप यहां पर आता है दोस्तों कि आप लोगों को यहां पर सबसे पहले ही देखें कि हाउ व्यूअर फाइंड योर वीडियो, यानी कि यूट्यूब हमको बता रहा है कि हमारा व्यूअर हमारा वीडियो कहां से देख रहा है। तो सबसे पहले मेरा यहां पर देखिए यूट्यूब सर्च यहां पर 53% है, जो कि आप लोगों का नहीं होगा मुझे पता है कि आपका कितना यहां पर यूट्यूब सर्च है दोस्तों, प्लीज यार कमेंट करके जरूर से बताना। और उसके बाद यहां पर देखिए ब्राउज फीचर्स यहां पर 32% है वो जो कि मेरा हो रखा है। लेकिन आप लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं, आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है राइट साइड में, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि यूट्यूब सर्च टर्म यहाँ पर लिखकर आ रहा है, तो आप लोगों को उसी के ऊपर है वो जो कि क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के चैनल पर जो भी यहाँ पर ट्रेंडिंग कीवर्ड होगी उस पर आप लोगों का यहाँ पर कीवर्ड है वो जो कि आ जाएगा। और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि 1, 2, 3, 4, 5 कीवर्ड है, ये 5 ही कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाना है दोस्तों। और जैसे ही एक कीवर्ड पर आप वीडियो बनाएंगे तो 110% आप लोगों का वीडियो है वो जो कि वायरल होने का ज़्यादा चांस रहेगा दोस्तों। जो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो इन्फॉर्मेशन कभी भी बड़े यूट्यूबर है वो जो कि आप लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का एक ध्यान में रखना है कि आप लोगों को उसी तरीके का वीडियो है वो जो कि बना देना है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए कि राइट साइड में जैसे ही यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों के सामने आएगा कि कंटेंट सजेस्टेड, यानी कि आप लोगों का वीडियो है वो जो कि किस वीडियो के नीचे सजेस्ट किया जा रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 1000 व्यूज है वो जो कि मिस्टर इंडियन हैकर ने बता दिया ये वीडियो है उसके नीचे आ रहा है। तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी आप लोगों का यहाँ पर वीडियोस आ रहा है तो आप लोगों को देखना है कि वो क्रिएटर है वो जो कि किस तरीके का वीडियो बनाता है, तो आपका वीडियो उसी के नीचे आया है तो आप भी उसी तरीके का वीडियो बनाओ, तो आपका वीडियो है वो जो कि ज्यादा सजेस्ट करने का ऑप्शन आएगा और ज्यादा सजेस्ट करके कोई भी व्यूअर आपके वीडियो पर क्लिक करेगा ना, तो आपका वीडियो है वो भी जो कि यहाँ पर वो देखेगा और पूरा देखेगा तो आपका वीडियो है वो जो कि वायरल करने का ज्यादा चांस रहेगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था दोस्तों, आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ से भी आप लोगों को 5 ही वीडियो उठाना है और वो देखना है कि इस क्रिएटर ने किस तरीके का वीडियो बनाया है। तो आप लोग भी अगर इसी तरीके का सेम वीडियो बनाएंगे ना तो आपका भी वीडियो है वो जो कि वायरल हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए कि एक्सटर्नल साइट है, तो आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को ऑडियंस वाला सेक्शन है उसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप लोग ऑडियंस वाले सेक्शन पर चले जाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि मेरा रिटर्निंग व्यूअर है वो जो कि 1100 व्यूअर है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि आपका रिटर्निंग व्यूअर है वो जो कि कितना है। और उसके बाद नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोग देखिए कि व्हेन यू व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, यानी कि आपका व्यूअर यूट्यूब पर कब एक्टिव होता है वो आप लोगों को यूट्यूब ही बता रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए
ओके, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप लोग देखना कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डार्क डार्क साइड है, जो ये वाला डार्क है और ये वाला देखिए कि वाइट हो रखा है। तो आप लोग को ये देखना है जहाँ वहाँ पर भी आप लोग को डार्क मिले ना, उसी दिन आप लोग को उसी टाइम पर वीडियो को पब्लिक करना है। अगर आप इस तरीके का काम करते हो तो आप लोगों का वीडियो है वो जो कि ज़्यादा वायरल करने का चांस रहेगा दोस्तों। और अगर इस तरीके का वीडियो बनाएंगे ना तो 100% आप लोग को इसी तरीके से आप लोग अपलोड करो तो आप लोग का वीडियो वायरल होने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ होता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं होता है, आप लोग को बिंदास वीडियो बनाते जाना है। और इसी तरीके से मैंने जो बताया उसी तरीके से अगर आप पब्लिक करते हो, उसी तरीके का वीडियो बनाते हो, तो आपका वीडियो 110% वायरल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में तो यही कुछ बताना था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। तो थैंक यू।